हेलो नमस्कार। राजस्थान वन रक्षक वनपाल भर्ती परीक्षा 2021 की तैयारी कर रहे सभी साथियों का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, दैनिक विज्ञान का पार्ट 7 आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं और पार्ट 7 के वीडियो सेशन में हम विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो कवर करने वाले हैं। दोस्तों, विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में, उनके अध्ययन क्षेत्र के बारे में प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इसको दैनिक विज्ञान के अंदर शामिल किया गया है, तो यहाँ से आपसे प्रश्न डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो के अंदर विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एपिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, एपिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मधुमक्खी, सामान्य मक्खी, रेशम कीट या फिर फलों का? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, एपिकल्चर के अंदर मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, पेडोलॉजी का संबंध है। दोस्तों, पेडोलॉजी का संबंध किससे है? मृदा से, जल से, फूलों से या फिर फलों से? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, पेडोलॉजी का संबंध मृदा से है। अगला प्रश्न है, हॉर्टिकल्चर में अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का, सब्जियों का, फूलों का या सजावटी पादपों का? इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, सजावटी पादपों का अध्ययन किया जाता है हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, सेरीकल्चर है। सेरीकल्चर क्या है? रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन या मत्स्य पालन? इसका सही आंसर हो जाएगा सेरिकल्चर दोस्तों रेशम कीट पालन को ही कहते हैं। अगला प्रश्न है, जंतु एवं पादपों के वर्गीकरण का अध्ययन किसमें किया जाता है? कार्यकी में, वर्गीकी में, अकार्यकी में या पेट्रोलॉजी स्थोलॉजी में? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जंतु और पादपों का जो वर्गीकरण होता है, वर्गीकरण से आप याद रखना वर्गीकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो वर्गीकी आपको वर्गीकरण से याद रखना है। अगला प्रश्न है, जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, जंतुओं का जो व्यवहार होता है उसके बारे में वनरक्षक वनपाल को जानकारी होना जरूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों सही आंसर देखिए आप क्या है, ऑप्शन अकारिकी, हिस्टोलॉजी, एथोलॉजी, कार्यकी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, एथोलॉजी के अंतर्गत जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? एंथोलॉजी, पायोलॉजी, स्पर्मोलॉजी या कार्यकी? इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पायोलॉजी कहते हैं फलों के अध्ययन को। स्पर्मोलॉजी दोस्तों स्पर्म जो होता है, वीर्य जो होता है, उसके अध्ययन को कहते हैं, ये भी आप ध्यान में रखना। तो पायोलॉजी किसका अध्ययन है? फलों का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, जंतु एवं आवास के संबंध का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? जंतु और उनका जो आवास होता है उसके संबंध का अध्ययन किस में किया जाता है? कार्य की शाखा में, परितंत्र में, इकोलॉजी में या फार्मोलॉजी में? इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा इकोलॉजी के अंतर्गत जंतुओं और उनके आवास का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? आर्थोपेडिक्स, साइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, डेमोग्राफी? इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा मानव मस्तिष्क का अध्ययन साइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी, फ्रेनोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, जेनेटिक्स? दोस्तों पक्षियों का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है ऑर्निथोलॉजी, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पे क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हम लगातार आपको राजस्थान वन रक्षक वनपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर राजस्थान ज्योग्राफी के सभी वीडियो सेशन देख सकते हैं और वीडियोज़ आपको अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल को रेगुलर फॉलो कर सकते हैं।
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, पीडीएफ फाइल और जो भी इंपॉर्टेंट सूचना होती है वो मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स में पौधों को किस माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों ये जो हाइड्रोपोनिक्स होता है इसके अंतर्गत कौन से माध्यम की जरूरत पौधों को नहीं होती है, खनिज लवण की, मिट्टी की, जल की या प्रकाश की। दोस्तों ये जो हाइड्रोपोनिक्स होता है इसके अंतर्गत पौधों को मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, जियोलॉजी में अध्ययन करते हैं, जियोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं, भूगर्भ का अध्ययन करते हैं, समुद्र का, उत्तकों का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, भूगर्भ का अध्ययन करते हैं जियोलॉजी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, फिंगरप्रिंट का अध्ययन करते हैं। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट प्रश्न है, फिंगरप्रिंट का जो अध्ययन है वो किस में करते हैं, डेक्टाइलोग्राफी, पोमोलॉजी, जियोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, डेक्टाइलोग्राफी के अंतर्गत फिंगरप्रिंट का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था से संबंधित विज्ञान की शाखा कौन सी है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वृद्धावस्था जो होती है, ओल्ड एज जो होती है उसका संबंध कौन सी विज्ञान की शाखा से है, एम्ब्रियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, जियोलॉजी या जिरोंटोलॉजी। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, जिरोंटोलॉजी में वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है और ये संबंधित विज्ञान है वृद्धावस्था का। अगला प्रश्न है, कल्टीवेशन में अध्ययन किसका किया जाता है, घास का, फलों का, पुष्पों का, भ्रूण का। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्टीवेशन के अंदर घास का अध्ययन किया जाता है। तो ये थे दोस्तों विज्ञान की शाखाओं के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है, तो लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।